गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। बच्चों अभी जस्ट आरआरबी भोपाल पर एएलपी टेक्नीशियन से संबंधित एक लेटेस्ट न्यूज दिया है, आप लोग को जानना जरूरी है, समझिए जस्ट ब्रेकिंग न्यूज है कि इसमें दो चीज आपका क्लियर कर दिया जो अब तक का कंफ्यूजन बना हुआ था। एक तो सबसे पहले एग्जाम डेट क्लियर कर दिया है, अब वो आपका 24 दिसंबर वाला एग्जाम डेट एक्सटेंड हो करके 21, 22 और 23 जनवरी 2019 ये आपका फिक्स हो गया। 21, 22 और 23 जनवरी ये तीन दिन आपका एग्जाम चलेगा, ये आरआरबी भोपाल के द्वारा ये कन्फर्म आपका कर दिया गया है और जल्द ही आपको हर वेबसाइट पर ये आपका उपलब्ध हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि आपका किस सेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे ये फिक्स कर दिया है। ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि बच्चे के मन में लगातार कंफ्यूजन बना हुआ था कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन रह सकता है, खास करके पार्ट ए में। पार्ट बी तो फिक्स है ही है पहले से, तो पार्ट ए में आप ये जान लें, पहले भी हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि मैथ रीजनिंग का वेटेज दोनों मिलाकर के सबसे ज्यादा रहना है, तो यहां आपका ये तय कर दिया है कि मैथ से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन दोनों पेपर से, और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आपका रहेगा। और इसके अलावा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग सबसे महत्वपूर्ण इसमें बदलाव किया है आपका, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग सेक्शन से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहने वाला है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसलिए बच्चों मैथ 25, रीजनिंग 25, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन, यानी कि कुल मिला के 100 क्वेश्चन में से वेटेज आपका सबसे ज्यादा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 40 क्वेश्चन का रहना है। तो आप समझ सकते हैं कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये दो सेक्शन पे अब आप किस तरह से रणनीति आप बनाएंगे कि मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे करके अपने मेरिट को प्रभावित उसके हिसाब से आप करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर ये दो पेपर में तो आपको अब करना ही चाहिए, मैथ रीजनिंग तो आपका है ही। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज था, अभी इस हिसाब से आप नई रणनीति बनाएं, एग्जाम के डेट को लेकर के आप नई रणनीति बनाएं जो एक्सटेंड हुआ है, और जिस इसमें आप जितना अधिक से अधिक, अब बैच तो लगभग आपका जो तैयारी कर रहे होंगे सिलेबस आपका समाप्त होने पर होगा, और जितने अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हम फिर इसके बारे में विशेष अब चर्चा, एग्जाम के डेट के लिए तक के लिए आपका क्या रणनीति होना चाहिए और सब्जेक्ट वाइज क्या रणनीति होना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।